Today we will continue spectroscopy, and in this series today we will study infrared spectroscopy. Yesterday we have studied about infrared spectroscopy, and today we will continue it. That IR spectroscopy deals with interaction of infrared radiation with matter. The IR spectrum of the compound can provide important information about the chemical nature and molecular structure. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम अणु की संरचना का अध्ययन या उसकी संरचना निकाल सकते हैं. मोस्ट कॉमनली द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑब्टेंड बाय मेजरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशंस, ऑल्सो इन्फ्रारेड एमिशन एंड रिफ्लेक्शन आर ऑल्सो यूज. वाइडली अप्लाइड इज द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑल्सो यूजफुल फॉर पॉलीएटॉमिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. तो ये सब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूजेस हैं. अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिटेल स्टडी के लिए हम एक डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और जो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसको हम ये मान सकते हैं कि जैसा कि हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो एक रिजिड रोटेटर के रूप में देख सकते हैं. लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये जो रिजिड रोटेटर है वो वाइब्रेशन भी कर सकता है. इसका कारण ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के लिए अणु के दोनों परमाणु दृढ़ता से बंधे हुए नहीं होते हैं, बल्कि वो ऐसे बल से बंधे हुए होते हैं जिसका परिवर्तन उनके बीच दूरी के साथ होता है. और ये जो बॉन्ड होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और इनके बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड एंगल जो है वो डिस्टॉर्टेड होते हैं. इसलिए जो वाइब्रेटेड डायटोमिक मॉडल होता है वो एक उसको हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल मान सकते हैं. और जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसकी जो मोशन होता है उसको भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह मान सकते हैं. और इसमें जो इस मोशन में हुक्स लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स, या जो हुक्स लॉ होता है, या जो रेस्टोरिंग हुक्स लॉ में जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, जो प्रत्यानयन बल होता है, वो जो विस्थापन के समानुपाती होता है. विस्थापन जिसको कि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आर से, या इसको हम डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो एफ़ इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर या डेल्टा एक्स, और एफ इज़ इक्वल्स टू माइनस स्मॉल एफ डेल्टा एक्स या डेल्टा आर. तो यहाँ माइनस क्यों लगा है? क्योंकि जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है. इसके लिए हम इस मॉलिक्यूल को हम इस तरह से मान सकते हैं कि मान लीजिए कि दो एटम्स, जो कि हम डायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसमें जो दो एटम्स हैं उन दोनों के बीच में जब वो साम्यावस्था में है तो स्थिति सेकेंड वाली दिखाई गई है, साम्यावस्था स्थिति दिखाई गई है. लेकिन जैसे ही अगर वो एक्सपेंड हो रहा है, जैसे कि स्थिति वन जो केस वन है इसमें दिखा रहे हैं एक्सपेंड हो रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट जो है उसका एक्स बढ़ रहा है, स्प्रिंग जो है फैल रही है, डिस्प्लेसमेंट एक्स बढ़ रहा है, तो जो अपोजिंग फोर्स होगा या जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा और इस डिस्प्लेसमेंट को साम्यावस्था में लाने की कोशिश करेगा. नेक्स्ट जो थर्ड स्थिति दिखाई जा रही है, इसमें स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो रही है, मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो पास पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट एक्स दिखाया गया है ये डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है. जो रेस्टोरिंग फोर्स चित्र में दिखाया गया है वो उसके उल्टी दिशा में कार्य करके मॉलिक्यूल को साम्यावस्था की स्थिति में लाने की कोशिश करेगा. तो इस तरह एक कंपन करता हुआ जो द्विपरमाणु अणु है, जो कि हम यहाँ दिखा रहे हैं, उस अणु की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम न्यू के द्वारा दे सकते हैं. और न्यू क्या है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1/2π अंडर रूट ऑफ के बाय न्यू. और यहाँ पर म्यू क्या है? म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है, क्योंकि दोनों जो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स हैं, एक का एटम का मास m1 है, दूसरे का m2 है, तो म्यू इज़ इक्वल्स टू m1 m2 upon m1 plus m2 होगा. तो इस तरह से हम जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल जो हम मान रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए डायटोमिक मॉलिक्यूल को, उसकी जो हम न्यू आवृत्ति जो है वो हम निकाल सकते हैं. इस आवृत्ति को अगर हमें तरंग संख्या में बदलना हो तो हम किस तरह से न्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1/2πc अंडर रूट ऑफ के बाय म्यू. तो न्यू बाय सी इसको हम ले सकते हैं तरंग संख्या न्यू बार. और चूँकि इसमें जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल होता है, उस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में जो
पोटेंशियल एनर्जी होती है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी एक्स से, और इसको हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्स है इसको हम डेल्टा एक्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो इसके बाद अगर हमें इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं डेल टू शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई एक्स, चूँकि ये एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है इसलिए एक्स माइनस वी, वी की जगह हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू शाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये इसके लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो क्वांटीकृत एनर्जी हमें प्राप्त होती है उस एनर्जी को हम लिख सकते हैं ई वी इज इक्वल्स टू हाफ प्लस न्यू इंटू एच न्यू, न्यू नहीं है यहाँ पर वी है, हाफ वी प्लस हाफ इंटू एच न्यू, जहाँ पर वी जो है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि जब हम वी की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं तो हमें ई जीरो का जो मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हाफ एच न्यू। इसका मतलब जो ज़ीरो लेवल है उसकी एनर्जी ज़ीरो नहीं होती है, ज़ीरो जो लेवल है वी इक्वल टू ज़ीरो उस पर जो परम शून्य ऊर्जा जो है वो हाफ एच न्यू के बराबर होती है। वी की वैल्यू 1 डालने पर जो एनर्जी आ रही है वो 3/2 एच न्यू होती है, वी की वैल्यू 2 डालने पर जो एनर्जी आ रही है वो 5/2 एच न्यू होती है, वी की वैल्यू 3 डालने पर जो एनर्जी आ रही है वो 7/2 एच न्यू होती है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसके लिए जो नेक्स्ट हम फिगर ले रहे हैं उसके लिए अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं, एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर डायग्राम बनाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि n इक्वल टू ज़ीरो में एनर्जी हाफ एच न्यू होती है, n इक्वल टू 1 में एनर्जी 3/2 एच न्यू होती है, n इक्वल टू 2 में जो एनर्जी होती वो E2 जो है वो 5/2 एच न्यू होती है, n इक्वल टू 3 में एनर्जी 7/2 एच न्यू होती है, n इक्वल टू 4 में 9/2 एच न्यू होती है, और दो एनर्जी लेवल्स का जो गैप होता है वो एच न्यू के बराबर होता है, और जो जीरोथ लेवल की एनर्जी जीरो नहीं होके हाफ एच न्यू के बराबर होती है। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो सिलेक्शन रूल होता है, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेक्शन रूल होता है उस सिलेक्शन रूल को भी हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 के बराबर होता है। अतः ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों हो सकते हैं, और इसमें मॉलिक्यूल्स फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में एब्जॉर्प्शन करके हायर लेवल पर जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फोर्स कांस्टेंट निकाल रहे हैं बॉन्ड का, वो फोर्स कांस्टेंट निकालेंगे और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रभाव देखेंगे। नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रभाव देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे। थैंक यू।